हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो अब हम आ चुके हैं दोस्तों ये जगह, इसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ वंडर पार्क। हाँ दोस्तों, और ये इसलिए कहा जाता है, ये जो जगह है ना दोस्तों, ये है दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और ये जगह आती है सराय काले खां में, जो कि जाना जाता है हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से। तो ये है यहाँ पर, अब हम आपको दिखाते हैं। और इसका जो एंट्री टिकट है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन, 50 रुपये टिकट है एक बंदे का, तो आप आराम से आ सकते हैं। और अब हम जाते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं एंट्रेंस और अंदर क्या क्या 7 वंडर्स हैं। कितने वंडर्स हैं टोटल अंदर? 7 वंडर्स हैं टोटल। तो देखते हैं कि कौन कौन से हैं और ये सब चीज़ें जो है ना, अब आगे बताता हूँ मैं आपको, आप बने रहिए आगे। और दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये एक्चुअली मेट्रो का भी काम चालू है। ये है इसका एंट्रेंस गेट, मेन गेट, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। और ये है हमारे साथ रोहित यहाँ पे चलते हुए। तो क्या कहना चाहते हो दोस्त? अंदर जाके देखते हैं क्या माहौल है। यस, अभी हम अंदर जाके बताएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले एंटर करेंगे दोस्तों, तो आपको सबसे पहले मिलेगा कैफेटेरिया, फूड कोर्ट बोल सकते हैं इसको। खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें, वैरायटी मिल जाएगी। बट हमारा मकसद है, और थोड़ा सा लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, अंधेरा है यहाँ पे, बट फिर भी ये है यहाँ का फूड कोर्ट कैफेटेरिया। बट हमारा मकसद है यहाँ जाना, लेफ्ट में। तो दोस्तों यहाँ का जो अजब और गजब माहौल है, तो रोहित तो जो है बच्चों का खेल देखने में ही व्यस्त है। बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं। और इतना शोर है पूछो मत। बट ये जो लाइफ है ना, ये देखो बच्चा कर रहा है। बच्चा देख रहे हैं छोटू, क्या क्या देखा आपने? सब कुछ देख लिया, आईफिल टावर, ताजमहल। और कैसे लगा आपको? सही है, बच्चे तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं मस्त। और अब हम भी जा रहे हैं अंदर देखने के लिए कि है क्या। तो दोस्तों ये है पहला वंडर हमारा सामने जो हमने देखा है, क्या पिरामिड है। पिरामिड इजिप्ट में है, तो जिस किसी को भी देखना है इजिप्ट जा सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे देखना है तो यहाँ आ सकता है वंडर में। तो इजिप्ट से ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन तो आपके पास यहीं आने का है दोस्तों। और हाँ, एक बात मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि वेस्ट टू वंडर जो नाम दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है इसमें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। और ये है दोस्तों यहाँ का रास्ता, और जो मतलब वहाँ पे था बच्चों का शोर और यहाँ पे एकदम सन्नाटा। और ये है रास्ता आगे जाने का। तो पहला वंडर हमने देख लिया। हाँ, बट वही शूटिंग के लिए थोड़ा लाइट का वो हो जाता है इशू, जैसे कि अभी पूरा ब्लैकआउट हो गया रोहित। तो दोस्तों अब हमने ये देख लिया है, ये है दूसरा वंडर, वेज टू वंडर। तो ये कौन, ये क्या है रोहित? ये लीनिंग टावर है, जो कि मेडिवल यूरोप की जो हिस्ट्री है उसमें बनाया गया था, जिसको हिंदी में लीसा का मीनार भी बोलते हैं, पीसा का झुका हुआ मीनार। तो ये हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पीसा का झुका हुआ मीनार। तो एक्चुअली ये जो है ना, आप देख सकते हैं अभी तो थोड़ा लाइटनिंग का प्रॉब्लम है, ये यहाँ से ना ये टिल्टेड है, थोड़ा झुका हुआ है, इसलिए इसको पीसा का झुका हुआ मीनार। ओह, स्कूल से आए हो? अच्छा, आराम से। मतलब ये स्कूल की तरफ से क्या पिकनिक के लिए आए हो या विजिट के लिए? मतलब घूम लिया आपने सारा कुछ? जी सर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत चीज़ें बहुत महंगी वगैरह। और आप? ओह गुड। और ये सारे तुम्हारी स्कूल के? यस। चलो बढ़िया है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई भीड़ बच्चों की। और दोस्तों यहाँ पर बचपन से सपना था। तो दोस्तों इसका सपना था, इसके भाई का सपना था शेर देखने का, और इसका सपना था आईफिल टावर देखने का। तो पेरिस तो जा नहीं पाया बेचारा, तो सोचा यहीं आके वेस्ट टू वंडर का देख लेते। और जिसको यहाँ पर अगर देखो, मेन तो अभी क्या, हम लोग रात को शूट कर रहे हैं तो लाइटनिंग का इशू है दोस्तों, बट वैसे यहाँ पे हिस्ट्री है, आप आके पढ़ सकते हैं। और ये है यहाँ का तीसरा वंडर, तीसरा है ना ये हमारा आईफिल टावर पेरिस। तो जो जिसको वीज़ा ना मिले हो यहाँ के देख ले।
और दोस्तों ये है यहाँ के खूबसूरत रास्ते, और ये यहाँ पे दौड़ते हुए इसको अजूबे देखने का कुछ ज़्यादा जल्दी है। बट मतलब मेरे को तो सही लगा यार, ये अंदर से रास्ते भी सही है। और मतलब देखो वैसे तो डे में आओगे तो भी बढ़िया है, बट नाइट में तो अलग ही मज़ा है भाई, है कि नहीं रोहित? रोहित तो गायब ही हो गया अंधेरे में। हाँ तो भाई ये है चौथा वंडर, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोलोजियम। कोलोजियम ये तो ये सिटी ऑफ रोम के अंदर है, इटली में, इटली के शहर रोम के बीच में है ये। भाई जो लाइट में जो लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। प्रिफर करो रात को आना, दिन में भी आ सकते हो तुम्हारी मर्जी। जो लोग जा नहीं सकते इटली तो यहाँ पे आके जरूर देख लेना, बिना पासपोर्ट के यहाँ आके देख लो। बहुत बढ़िया लग रहा है। और हमने देख लिए हैं चार वंडर दोस्तों, और यहाँ पे रोहित फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करते हुए पढ़ रहा है इतिहास जो कि धुल चुका। ओ माय गॉड, तो ये है भाई ताजमहल। मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था 16th century में, मुगल एम्परर थे। और भाई जो आगरा नहीं जा सकते हैं वो यहाँ आके देख लो, दिल्ली में भी है यहाँ जा सकते हैं। और ये जो है ना ये वेस्ट से बनाया गया है, मतलब ये जो कारीगरी है यार भाई काबिले तारीफ है, तगड़ी है यार ये रात को जितना अच्छा लग रहा है मुझे नहीं लगता रोहित की सुबह उतना ही प्यारा लगेगा, क्योंकि लाइटनिंग इफेक्ट तो कुछ ज़्यादा बढ़िया है इसकी। और दोस्तों ये है हमारा 6th wonder, और ये देखो आप स्टैचू ऑफ क्या है ये, एक स्टैचू है जो कि ब्राजील का एक माउंटेन है, कोको वाडो करके है, तो वहाँ पे लोकेटेड है। और जो कैथोलिक लोग हैं वो उनके लिए बहुत मान्यता, जीसस क्राइस्ट, जीसस ही है ना। और ये देख सकते हैं यहाँ पर रात को भी बहुत सारे लोग यहाँ पे एंगेज्ड हैं। तो ये है भाई 7th wonder जो कि लास्ट है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है अमेरिका में। और इस स्टैचू की जो हिस्ट्री है ये 18th century में बनाई गई थी, और ये फ्रांस में बनाई थी, फिर फ्रांस से ये लाई गई थी वहाँ पे अमेरिका में, और फिर वहीं पे उसको सिचुएट कर दिया गया था। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड, हमने देख लिए 7 के 7 wonder, वेस्ट टू वंडर सारे भी। और ये देखो ये वो जगह जहाँ बच्चे चहल रहे थे, और अब पूरा सन्नाटा छा गया है, सब चले गए हैं स्कूल से घर की ओर। तो रोहित कैसा लगा तेरे को? बहुत बढ़िया था, आओ यहाँ पे देखो सब 7 wonder। जिसको भी पासपोर्ट वीज़ा की दिक्कत है ना वो यहाँ आके आराम से देख सकता है। तो दोस्तों अब हम व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अब हम भी थक गए, कुछ खाएंगे कैफेटेरिया में देखते हैं और फिर निकलेंगे घर की ओर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले व्लॉग टाइम पे मिल जाए। तो बाय बाय।